हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका दोस्त है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलिफोन P9000 फोन के बारे में, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं इस फोन के बारे में कि ये फोन कैसा हुआ है, क्या हम इसे ले सकते हैं या नहीं। तो ये जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और एक बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टेक रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस फोन के प्राइस से। प्राइस जो रखा गया है इस फोन का 11,999 रुपीज है, और ये आपको अमेजन के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे 5.5 इंच का फुल एचडी नैरो बेजल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इंटरनल पार्ट में हम देखें प्रोसेसर को, तो 1.8 GHz का यहाँ पे आपको मीडियाटेक का MT6755 का हेलियो P10 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 4 GB का यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगा। 32 GB का यहाँ पे आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा, इसको आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 64 GB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर। यहाँ पे जो आपको जीपीयू देखने को मिलेगा वो होगा मालिका T860 का। और अगर हम बात करें सबसे वाइटल चीज जो फोन का होता है वो है कैमरा। कैमरा यहाँ पे दिया गया है बैक साइड में आपको 13 MP का, उसके साथ फ्लैश भी देखने को मिलेगा, और सोनी का सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है IMX258 वाला। फ्रंट में आपको 8 MP का मतलब कैमरा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। बात अगर हम करें फ्रेंड्स इसके बैटरी की, तो 3000 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल रहा है। और भी अदर चीजों में अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे 7.0 नॉगट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन करता है। ये जो फोन है IP68 सर्टिफिकेशन के साथ वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट वाला फोन है, मतलब 1.5 मीटर की गहराई तक अगर फोन को पानी में छोड़ भी देते हैं आधे घंटे के लिए तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे और भी चीजें दी गई है और फीचर, जैसे कि फिंगरप्रिंट आपको स्कैनर देखने को मिलेगा बैक साइड में, और यहाँ पे आपको 32 बिट का क्वाड DAC का टेक्नोलॉजी मिलेगा, साउंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपको अच्छा एक मतलब फीलिंग देगा अगर आप गाने वाने सुनते हैं। तो यही बातें हैं फ्रेंड्स, यही फीचर्स इसमें भरा हुआ है, बहुत अच्छा एक फोन है। लेकिन जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा मतलब कमजोर प्रोसेसर है, बहुत पुराना प्रोसेसर है। तो उस हिसाब से अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है, ये चल सकता है, मार्केट में टिक सकता है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर हमारे इंडिया के जो माइक्रोमैक्स लावा वगैरह जितने भी कंपनी है वो अगर थोड़ा सुधर जाए, ऐसे भी फोन अगर बनाने लगे तब भी ठीक है, लेकिन वो तो एकदम घटिया वाला फोन जो है वो निकालते हैं। कम से कम इन सब कंपनी को देखकर सीखना चाहिए, मतलब एलिफोन जैसी कंपनी को अगर माइक्रोमैक्स देखे तो थोड़ा सीखने को मतलब सीखना चाहिए, ये मैं बोलूँगा। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। चलता हूँ फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।